हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यू एट वट वृक्ष। आज एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसमें भी काफ़ी कुछ बताने के लिए लाए हैं। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू से करने से पहले ज़रा लिख लेते हैं कि आज की टॉपिक क्या है। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है वो है टॉपिक लाइट। क्या देखेंगे आज हम? लाइट। लाइट एक अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट लाइट का चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसको मैं दो पार्ट में बांट के लाऊंगा। एक आज एक लेके आते हैं, आज मैक्सिमम कवर नहीं हो पाएगा, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत लंबी वीडियो अपलोड नहीं होती है जल्दी, तो आप लोगों को भी देखने में दिक्कतें होती होगी, तो इसलिए मैं इसे दो पार्ट में लेके आऊँगा। तो आज हम जो है लाइटर वर्जन जो है ना उसको देखते हैं, उसको करते हैं, तो उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं बेसिक्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इसके बाद हम एडवांस फॉर्म लेके आएंगे लाइट, जो पार्ट टू में आएगा, और फिर उसके बाद हम उसमें बहुत गहराई से अलग अलग चीज़ें देखेंगे। फिलहाल आज में भी बहुत सारी गहराई है, बहुत सारी जानने के लिए, काफ़ी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइट के बारे में है क्या। तो लाइट क्या चीज़ है? लाइट है एक, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि लाइट एक एनर्जी का रूप है, ठीक है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरी बात, लाइट ही हमें मदद करता है क्या, दुनिया की हर चीज को देखने के लिए। इमेजिन कीजिए कि हमें कुदरत ने आंखें दी है, लेकिन ये आंखें धरी की धरी रह जाती है, बेकार हो जाती है जब अंधेरा छा जाता है। ये आंखें खुली हुई रहते हुए भी कुछ नहीं देख पाती है, क्योंकि लाइट जब नहीं होती है तो कुछ ही काम की नहीं रह जाती। इसीलिए लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये खूबसूरत दुनिया जो है हम देख पाते हैं वो लाइट का ही सबसे बड़ा एक फैक्टर है। आप याद कीजिए, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर हो, ट्रीज हो, माउंटेन हो, रिवर्स हो, अपने फैमिली हो, अपने नियर अबाउट नियर डियर वन हो, या फिर मूवी एंटरटेनमेंट हो, या फिर आपके बुक हो, ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं क्योंकि इस लाइट हमें ये करने के लिए मौका देता है, ये हमें करने का एक तरह से अवसर देता है, लाइट ये हमें देता है, ये करके देता है, तो हम इसे देख पाते हैं। तो लाइट जो है ना काफ़ी कुछ हमें है। तो लाइट जो होता है, खास करके अगर देखें जितने भी हमारे आसपास की बगल की चीज़ें हैं वो सब देखने में मदद करता है, चाहे आप जितना भी प्रकार के ले लें, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आता है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया। इसके साथ साथ लाइट प्रोड्यूसिंग करने वाली दो तरह की ऑब्जेक्ट होती है, लाइट प्रोड्यूसिंग करने वाली टू तरह के सोर्सेज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। एक होता है यहाँ से ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ये दो चीजें होती हैं। इन दो चीजों के बारे में देखेंगे कि ये होते क्या है, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसको कहेंगे जो लाइट अपने आप प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कौन कौन लाइट अपना प्रोड्यूस कर सकता है? सन, जितने भी स्टार्स हैं, या फिर बल्ब। इसमें दो तरह के हो सकते हैं, ल्यूमिनस नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसमें कि प्राकृतिक चीजें हो गई, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे जिसमें कि कोई क्षमता नहीं होती अपनी लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, ये अपने से लाइट जनरेट नहीं कर पाता है, उसी को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे टेबल, चेयर, बुक, या फिर बड़े लेवल पे मून, या फिर प्लैनेट अर्थ, ये सब कोई भी अपने ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा जो है इनके अपने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये लाइट जनरेट नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर दुनिया को देखने में सबसे ज्यादा जो मदद करता है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही है, जो हमें देखने में मदद करता है। तो याद कीजिए, धरती पर सबसे बड़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? तो सन है। तो सन के कारण से ये पूरी सृष्टि है, पूरा अर्थ है, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के कारण से सब्जियां हैं, ग्रेन्स हैं, सब चीज़ है, क्योंकि सन की लाइट ही सब में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, और उसी से अपने पेट में भोजन आता है, और जिससे अपनी एनर्जी होती है, जिससे हम बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उछल कूद, नाच गाना, ओ अय्या, सब चीज़ हो पाता है, ठीक है,
जितने भी चीजें आपको करना है। तो कुल मिलाकर यूनिवर्स, इस प्लैनेट का, इस गोला का जो सोर्स है वो सन है, ठीक है। इसीलिए सन को वर्शिप होना चाहिए, नहीं करना चाहिए रिस्पेक्ट, या नहीं तो अपने कल्चर में उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। दुनिया के और कल्चरों में क्या है उसकी बातें अलग करेंगे कभी, फिलहाल ये चीज़ें निकल कर आती है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है ये, इसके बारे में, जो अपनी लाइट खुद ये करता है, तो उसमें क्या मून एक ल्यूमिनस है? नहीं, मून की अपनी लाइट नहीं है, वो एक इस नॉन ल्यूमिनस बॉडी में आएगा। क्या अर्थ है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जितने भी हैं सबके सब ये हो गए, दुनिया में हकीकत में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस हैं एज कम्पेयर टू ल्यूमिनस के, ठीक है। आप गौर से देखिए तो ज़्यादातर आपको मिलेगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भरे पड़े हैं। यहाँ से ये चीज़ें हो गई। इसके बाद थोड़ी सी एक नई चीज़ मैं ये करता हूँ, उसमें से सीखते हैं क्या निकल कर आता है चीज़ें। यहाँ से एक इमेज है उसको बनाते हैं। सबसे पहले जब सन की लाइट आती है तो सन की लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो क्या कंडीशन होता है जरा वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक ये सरफेस है कोई भी, ठीक है। मान लीजिए ये मिरर है जिससे लाइट टकरा रही है। यहाँ कुछ पॉइंट हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट क्या क्या है। ये मानते हैं एक मिरर है एम, और ये एक एम डैश मिरर है। सबसे पहले तो मिरर पर ना यहाँ कोटिंग होती है, मैं यहाँ बता दूँ ये कोटिंग होती है इसके ऊपर में, सिल्वर की कोटिंग होती है। तो सिल्वर की ही कोटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि सिल्वर एक बहुत ही सॉफ्ट वाइट, और हम क्या कह सकते हैं उसको कि जो बहुत ही ज़्यादा अगर देखें तो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है सिल्वर की, बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता होती है। दूसरी बात अगर देखें तो ये सबसे लो डेंसिटी होता है, इसलिए ये कोई भी ज़्यादा इसका वेट इंक्रीज नहीं करता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये रिएक्ट नहीं करता एयर से, सिल्वर रिएक्ट नहीं करता ज़्यादा एयर से, या फिर अगर देखें ड्राई मॉइस्ट एयर से, या फिर ड्राई अगर देखें तो एयर से, इन सब चीज़ों से अगर देखें, ड्राई ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं करता है। इसी कारण से ये नॉन कोरोसिव होने के कारण से नेचर में इसको मिरर पर एक पेंट के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ एक साइड से और पेंट कर दी जाती है, तो कुल मिलाकर लाइट पूरी तरह से मिरर से रिफ्लेक्ट होने लगता है। पहले आप ये समझो कि ये एक लेयर चढ़ाई जाती है सिल्वर की, हर मिरर पे ये होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि कुछ में नहीं, कुछ में आजकल कॉस्ट वाइज मैटर होता है तो उसमें अलग अलग तरीके से चढ़ा दिया जाता है, कुछ में अलग क्वालिटी, कुछ में अलग चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से पेंट चढ़ाया जाता है, इसके बाद में भी एक और पेंट चढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए कि एक यहाँ पे ये हमारे सूरज दादा है, ठीक है, जो दुनिया को रोशनी देने का काम कर रहा है। सबके दादा हैं ये, हमारे ही नहीं, ठीक है, आपके भी हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखने वाले। तो यहाँ से एक किरण चली, किरण कौन सी चली? किरण जिसे सन रेज कहते हैं। ये सीधी चलती है, अगर ये टेढ़ी हो गई हो तो डोंट माइंड इट। तो ये जो चली ये टकराई कहाँ पे? यहाँ, ठीक है, जिस जगह ये टकराती है इसे कहते हैं, सबसे पहले सीख लेते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये हो गया इंसिडेंट रे, जिस जगह पे ये टकराता है। और यहाँ से टकराने के बाद ये वापस जिस डायरेक्शन में निकलता है, ये कौन सी रे होती है? ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इसके साथ साथ यहाँ पे ये बीच में ये खड़ी जो क्या कहते हैं इसको, ये होता है नॉर्मल, जिसे एन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे एक एंगल बन रही है, मैं इस एंगल को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक एंगल यहाँ पे भी बन रहा है। मान लेते हैं ये एंगल आई बन रहा है और ये एंगल आर बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये जो निकल कर आता है यहाँ से, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। किसी भी सोर्स से आने वाली, जो सोर्स से आने वाली लाइटें होती है वो सब इंसिडेंट रे कहलाती है। जिस जगह पे ये टकराती है, जहाँ पे ये होती है, इसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां से ये टकराया, ये इधर से निकल गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। जो जो रेज इंसिडेंट रे आती है और वो टकराने के बाद जब वो मुड़कर वापस जाती है तो वो बन जाती है रिफ्लेक्टेड रे, और ये एक नॉर्मल होता है। याद रहे मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ उसको देखें, ये नॉर्मल हमेशा मिरर के साथ ना परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता,
और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसलिए याद रहे नॉर्मल हमेशा कितना होता है 90 डिग्री दोनों साइड बनाता है। बट अभी हमें इसका कुछ और चाहिए, हमें यहां से, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से हो गया। अब ये एक चीज यहां से ये जानने वाली बात है कि यहां जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में कुछ चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिफ्लेक्टिंग जो होती है लाइट का, वो कैसे होता है। तो कोई भी लाइट आती है, किसी भी सोर्स से टकराती है, वो टकराने के बाद लाइट वापस जाती है। अब ये कितना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कितना वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह का है, ठीक है। अगर उसका साइनी सरफेस है, हमने यहाँ लिया है मिरर को, तो मिरर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करता है, ये बात आप जानते हैं। यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त लॉ निकलता है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके दो लॉ हैं। सबसे पहला लॉ ये कहता है, ये तीनों एक ही जगह पे होते हैं, ये तीनों भाई साहब जो है ना, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, रे आर एट सेम प्लेन, ये एक ही जगह हो सकता है, ये दूसरे जगह कहीं नहीं हो सकता है, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। कि ये जहां भी होगा वो एक ही जगह पे होगा, सबसे पहली बात ये निकल कर आता है यहां से। दूसरी बात यहां से एक और चीज निकल कर आता है कि मैंने जो बताया कि ये जो इंसिडेंट रे जब आती है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल के साथ ये एक एंगल फॉर्म कर रही है ना, ये वाला, ठीक है। ये जो है ये आई है और ये जो है या आर है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये आई और आर दोनों आपस में बराबर होगा, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये तो हो गए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमें जानना है, जानना चाहिए इसका। कभी भी आगे लाइट चैप्टर में तो कहीं इसका वायलेशन नहीं होगा, ये हम यहीं से कहते हैं आगे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ नॉन लुमिनस पड़ा, तो नॉन लुमिनस अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे, जैसे ये सन है, ये मून है, अगर मून पे पड़ता है तो मून क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होकर धरती, इधर कहीं गोला है, ठीक है, ये गोले पे अगर हम यहाँ धरती वाले में हैं यहाँ सब, तो ये यही लाइट हमें यहाँ से दिखती है, ठीक है। तो यूनिवर्स में कुल मिलाकर ये चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट होकर चल रही होती है, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस रे सबके सब, और लुमिनस बॉडी और नॉन लुमिनस बॉडी के बीच का ये पूरा का पूरा कंडीशन है, ठीक है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको कि अगर आप मान लीजिए, अगर ये एक और एग्जांपल लेना चाहें, मैं इधर देखता हूँ, ठीक है, अगर कहीं जगह है, या फिर इसको थोड़ा छोटा करके लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा बॉडी मिरर है कोई, और इस बार यहाँ से एक लाइट टकरा रही है, और एक यहाँ पे ये फॉर्म ये हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए, और ये नॉर्मल हमारा है, तीनों एक ही प्लेन पे होगा तभी तो कंडीशन बात बनेगी। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये आपको पता ही है। अगर ये 35 डिग्री है तो ये कितना डिग्री, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठीक है, इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल विथ, ठीक है, नॉर्मल 35 डिग्री, देन कैलकुलेट द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। कि एक इंसिडेंट रे आ रही है जो नॉर्मल के साथ 35 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 35 डिग्री, तो ये बताएं कि रिफ्लेक्टेड रे के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। अभी अभी हमने देखा कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों क्या निकलेगा, दोनों सेम निकलेगा, ठीक है। ये एक चीज निकल कर आता है यहाँ से। दूसरी बात, एक सवाल इसी तरह से दिया जाता है, मान लीजिए इस बार क्या किया गया कि एक यहाँ से
मिरर लगा दिया गया इस तरह से, ये भी एक मिरर है और ये भी एक मिरर है, ठीक है, ये भी एक मिरर, ये भी एक मिरर है। यहां से एक लाइट आया, ये सूरज महाराज की एक लाइट निकली यहां से, ये आया टकराया, ठीक है, और ये नॉर्मल है और ये आप जानते हैं 90 डिग्री से है, ठीक है। तो यहां से एक चीज निकल कर आता है कि ये लाइट यहां से, ये एंगल जो बनी वो क्या बनी, वो यहां आई है। अगर पहले देख लेते हैं, यहां से ये नेचर इसमें टकराया, ठीक है, ये यहां से इसमें टकराया, ठीक है, ये आई है, ये आर है, ये अगर ये देखें, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, और तो ये एंगल ऑफ आई है, तो ये एंगल ऑफ आर है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, और यहां से ये निकलती है इस तरह से, फिर रिफ्लेक्ट यहां से टकराई इधर, इधर से टकरा के इधर निकली। तो आप ये बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये हमें बताना, और इसका नॉर्मल ये है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है। तो ये कितने डिग्री होगा, इसे जानने से पहले जरा ये देखें, ये जो लाइन है नॉर्मल, ये और ये पैरेलल है, और याद कीजिए कि मैथ में जहां दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो क्या निकलता है, क्या फॉर्मेशन होती है, इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये जेड के शेप में बन रहा है या नहीं बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर जेड शेप में बनता है, डायग्राम खराब हो जाएगा क्योंकि लाइन स्ट्रेट होती है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था, ये देखिए जेड बन रहा, तो ये बना कितना 30 डिग्री। अभी अभी हमने पीछे बात किया था कि नॉर्मल हमेशा जो है मिरर के साथ कितना डिग्री बनाता है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में ये भी तो 90 डिग्री है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, तो ये जब 90 हो गया तो ये कितना बना, 60 बना ना, ये यहाँ से यहाँ ये 90 है और ये 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला हिस्सा 60 बना, तो दोनों मिलकर नॉर्मल के साथ 90 होगा। जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये कितना बन गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हायर लेवल पे, अच्छे लेवल पे पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके साथ साथ यहाँ से निकलता है, ठीक है, अगर खास करके कि यहाँ से रिफ्लेक्शन जो होती है, रिटर्निंग बैक ऑफ अ लाइट या बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी सरफेस से जब लाइट टकराती है तो उसको टकराने के बाद जो वापस आती है उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ये हमेशा दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमें ये किसके एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर, ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर। अगर हम ऑब्जेक्ट की अगर बात करें कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत स्मूथ है, बहुत ही शाइनी है, जस्ट लाइक मिरर, तो वहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा ना, वो रिफ्लेक्शन जो माना जाएगा वो कंसिडर्ड होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। या फिर अगर हम देखें तो कहीं ऐसा चीज़ जैसे कि वाटर है, मार्बल है, मार्बल पे पानी वगैरह है, तो ये भी बहुत स्मूथ होते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे ये स्मूथ रिफ्लेक्शन होगा, स्मूथ की तरह से ही रिफ्लेक्शन यहाँ माना जाएगा, ठीक है। प्लान मिरर हमने ये कंसिडर किया था एग्जाम्पल में, तो यहाँ तो होगा ही होगा। उसके बाद कोई भी ऐसा कोई वुडन सरफेस लकड़ी का जिसपे बहुत पॉलिश कर दिया जाता है, तो पॉलिश करने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें भी लगभग रेगुलर रिफ्लेक्शन आ जाता है। इसके अलावा जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो दुनिया का हर जगह जो है ना डिफ्यूज है, यहाँ तक कि जो आपके बुक की जो पेजेस हैं, जो नोटबुक का पेज है, ये सब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी थिकनेस जो ना बहुत ज़्यादा डिफर करती है, कहीं एक सिमिलरिटी नहीं होती है, एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए हर एक जगह पे माउंटेन, पहाड़ या रोड या घर, बिजली, ये बेड या फिर पेन पेंसिल, इन सबों से रिफ्लेक्शन की बात तो बात की है, लेकिन रिफ्लेक्शन हर जगह पे जो होता है वो मोस्ट ऑफ द सरफेस जो होता है वो डिफ्यूज सरफेस होता है और वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। कैसे, जरा वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये सूरज महाराज हैं, यहाँ से ये एकदम शाइनी सरफेस है, ठीक है, तो यहां से ये सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट टकराए, अब ये ऐसे निकल रहा है पैरेलल, देख रहे हो आप, ये गलती से मिल रहा है, लेकिन ये
तो कुल मिलाकर ये सारे क्या है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नहीं ड्रॉ हो पा रहा है यहाँ पे, तो ये आप माइंड मत करना, ठीक है। बट ये क्या निकलेगा, पैरेलल ही निकलेगा। या नाउ फाइन, मच बेटर। सो तो ये क्या है, यहां से ये मिरर है, प्लेन मिरर, ये क्या निकला सारा, और सब में ये कंडीशन बिल्कुल, सब में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो एकदम यहाँ तो बिल्कुल फॉलो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। लेकिन अगर तो यहाँ पे सारे के सारे एकदम बिल्कुल पैरेलल रिफ्लेक्शन हो रहा, इसी तरह के रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो ज्यादातर कंसिडर किए जाते हैं शाइनी सरफेस के साथ। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जरा उसकी कहानी देखें। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसे सरफेस है, ये एक डिफ्यूज सरफेस दिख रहा है, ठीक है, कोई उबड़ खाबड़ जगह, तो इसकी रिफ्लेक्शन होगी, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, देख रहे हैं आप, ये डिफ्यूज सरफेस का रिफ्लेक्शन है और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, उसमें जो था रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ था। ये कभी ये नहीं सोचना है कि ये डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है तो यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वायलेट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी फॉलो हो रहा है और लाइट के केस में हर जगह फॉलो होता है, यूनिवर्स में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वो फॉलो नहीं होता। इसकी रफनेस के अलग होने के कारण से जो ना यहाँ हमें दिखता है ऐसा चीज, लेकिन रियलिटी ये होती नहीं है। इसलिए ये याद रखना है कि क्वेश्चन दे दिया जा सकता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके कुछ चीजें होगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसमें ये हमने देख लिया था। एक चीज छोटी सी बात यहाँ ऐड करना चाहते हैं कि अगर ये इस एंगल से आया है, इस एंगल से चला गया, यहाँ पे एक ट्विस्टर डाला जाता है कि अगर लाइट नॉर्मल के साथ ही आया तो, अगर इसी 90 डिग्री से लाइट अगर फॉल हुआ इस पे, अगर देखें तो प्लेन मिरर पे, तो क्या होगा, तो भाई लाइट इसी पे मुड़ जाएगा और निकल जाएगा, इसी पे जिस पे आया था उसी पे निकल जाएगा, ये याद रखने वाली है, ठीक है। अगर एक रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट नॉर्मल, जो नॉर्मल है उससे 90 डिग्री के साथ फॉल कर रहा है, तो उसी रास्ते के साथ वो वापस लौट जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप रखिएगा ध्यान में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ से, यहाँ से और चीज़ें में अगर हम देखें, लगभग लगभग जो बेसिक लेवल पे आते हैं, यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर में कुछ चीज़ें यूज की जाती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है बेस्ड है, ठीक है, खास करके। या इससे पहले, इंस्ट्रूमेंट से पहले हम देख लेते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। तो प्लेन मिरर, जब भी कोई प्लेन मिरर होता है, इसके हमें हटा लेते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर कैसे इमेजेस फॉर्म करता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर प्लेन मिरर पर अगर लाइट आती है, सपोज दैट कि एक प्लेन मिरर ये है, इस बार छोटा बना दे, ठीक है, पिछली बार बड़ा बन गया था, दिखने में लिखने में दिक्कत हो रही थी, नीचे पता नहीं दिखा या नहीं आप लोगों को। तो यहाँ से निकल कर आता है कि सबसे पहले कि एक प्लेन मिरर अगर ये दिया हुआ है तो इसमें क्या क्या चीज इमेज फॉर्म होता है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से सूरज दादा की लाइट इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर पड़ रहा है कहीं भी, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है मानते हैं, ठीक है, तो इसकी लाइट यहां से निकली, ये प्लेन मिरर किस तरह से कैरेक्टर बनाता है, इमेजेस बनाता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी जगह पे फॉल हुआ, ठीक है, एक और सोर्स, इसी सोर्स से लाइट निकला और वो फॉल यहाँ पे हुआ, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ से इसका ये नॉर्मल है, यहाँ से इसका नॉर्मल है ये, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया यू, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया यू, और यहाँ पे कोई अगर वॉच कर रहा है, ये एक आई जैसा चीज है, अगर हम देखें तो यहां से कोई अगर देख रहा है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को, तो इसका जो इमेज है ऑब्वियसली ये दोनों डाइवर्स होते जा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे जो आ रही है, तो इसका डाइवर्जिंग लेंस क्या होगा, ये डाइवर्स करता जा रहा है, तो इसके इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इमेज फॉर्मेशन इसका चला जाता है पीछे कहीं भी, यहां से इस जगह पे इमेज बनता है।
तो यहाँ से कुल मिलाकर निकल कर आता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइट निकल कर आई, ये यहाँ से यहाँ ये रिफ्लेक्ट होके निकल गया सीधा बाहर किसी अन सोर्सेज से, अपने एक एंगल के साथ जिससे आया था उसी तरह से। कुल मिलाकर इमेज जो बनता है क्या होता है, यहाँ से एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्लेन मिरर के कई सारे कैरेक्टर होते हैं, उसको जान लेते हैं। ये एक थोड़ा सा डेप्थ चला जाएगा, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे डिटेल में। प्लेन मिरर जो कैरेक्टर बनाता है उस इमेज का ना, सबसे पहले जो ना एक वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है? वर्चुअल। पहला पॉइंट ये हो गया कि ये प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज को बनाता है, ठीक है। दूसरा हो गया कि अगर देखें क्या बनाता है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। अगर हम यहां से नेक्स्ट टॉपिक अगर ये इसके साथ साथ अगर देखें तो एक चीज और है, प्लेन मिरर की तीसरे कैरेक्टर की बात करें तो ऑब्जेक्ट जितना सेम डिस्टेंस पे होता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से होता है उतना ही बिहाइंड द इमेज भी बनता है उसका, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, सेम इमेज इज फॉर्म्ड सेम डिस्टेंस इमेज इज फॉर्म्ड एट द एट सेम डिस्टेंस एज इट वॉज इन एट एज इट वॉज इन फ्रंट ऑफ मिरर। उतनी ही दूरी पर जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया था मिरर से, उतनी ही दूरी पीछे जो ना इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात, सेम साइज, क्या बनता है, सेम साइज, जितना बड़ा था सेम साइज। अगर कोई नट्टू काका है तो उसका मिरर में इमेज भी नट्टू काका टू ही बनना है, यानी टू पार्ट टू बनेगा ना, एक बाहर रहेगा एक अंदर रहेगा, तो वो सेम साइज का बनेगा। ऐसा नहीं कि नट्टू काका जो है प्लेन मिरर में लंबू दादा बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर नट्टू काका खड़े हैं, ठीक है, तो वो इरेक्ट इमेज बनेगा, मतलब कि सीधा अगर हेड अगर ऊपर है और लेग नीचे है, ऑब्वियसली हुमैन ऐसा ही होता है, तो इमेज जो ना नट्टू काका का वैसा ही बनेगा, हेड अप और लेग डाउन। ऐसा नहीं कि टांग पकड़ के ऊपर कर दिया पैर को और हेड जो ना जमीन में है, ऐसा नहीं होता। हाँ, इमेज ऐसा मिरर में ऐसे इमेज बनते हैं, लेकिन ये प्लान मिरर का कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए हमेशा इमेज जो बनता है उसका कैरेक्टर ये है कि वो इरेक्ट बनाता है, ठीक है। दूसरी बात अगर देखें तो लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर देखें तो ये लेटरली इन्वर्टेड है। अगर आप लेफ्ट उठाओगे तो राइट दिखेगा, ठीक है। अगर नट्टू काका ने राइट वाला उठाया ना तो मिरर में से लेफ्ट वाला दिखेगा, ये याद रखने वाली बात। और अगर उधर लेफ्ट वाला उठाएगा तो इधर राइट दिखेगा, दोनों ये अपोजिट चलता रहता है। ये आप अपने पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, तो नट्टू काका जैसे ही आपको भी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, ठीक है। आप नट्टू काका नहीं हो जाओगे, लेकिन हाँ इमेज वाला वही चीज़ होगा, सबके साथ प्लान मिरर वैसा ही कैरेक्टर करेगा। मैं भी अगर बनूंगा, मैं भी अगर लेफ्ट उठाऊंगा तो नट्टू काका वाला ही चीज़ मेरे साथ भी होगा, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में दिखता है। इसी का अगर हम देखें यूज किया जाता है कई और जगह पर, अगर हम देखें यहाँ से निकल कर आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें के बाद यहाँ से निकलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर अगर देखें तो इंस्ट्रूमेंट जो बनाए जाते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर, जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले इसे हटाते हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने हैं, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन पर एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पेरिस्कोप, ठीक है। क्या नाम है? पेरिस्कोप। इसको आप समझो, इसे हटा लेते हैं, पेरिस्कोप हो गया, ठीक है। पेरिस्कोप में मान लो कि एक ये एक वॉल है, क्या है, वॉल,
लग रहा दीवार। हाँ दीवार, चलो ठीक है। तो ये दीवार जैसी है, ठीक है, या दीवार ही है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जबरदस्त इस्तेमाल पेरिस्कोप का किया था। दीवार टूट गई यार। चलो जुड़िए। तो पेरिस्कोप का जो है इस्तेमाल कहाँ किया था? सबसे पहले पेरिस्कोप कैसे होता है जरा वो देखिए। मल्टीपल रिफ्लेक्शन या फिर मोर देन, अगर देखें रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसको भी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, ये बात हमें पता चलता है। मान लीजिए यहाँ पे एक सुंदर सा कोई पेड़ है, ठीक है, और ये पेरिस्कोप लगा दिया गया कहाँ पे? यहाँ पे। ये कुछ ऐसा पेरिस्कोप होता है। ठीक है, इस तरह से लगाया जाता है। पेरिस्कोप में क्या चीज होता है कि यहाँ पे 45 डिग्री पे एक एंगल, एक मिरर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? प्लेन मिरर, एक यहाँ पे 45 डिग्री पे। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या है? ये भी लिख देते हैं साथ में, प्लेन मिरर है, कहीं कंफ्यूजन ना हो। क्या है ये? मिरर, प्लेन मिरर है, 45 डिग्री पे लगाया हुआ है। और एक और यहाँ पे लगा दिया जाता है, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हिस्से, ये भी एक प्लेन मिरर, 45 डिग्री। ठीक है, अब हमने पहले ये देखा कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो क्या है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसकी एक एक्सपेरिमेंट आप सुन, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर पेरिस्कोप पे आते हैं। एक हमने यहाँ पे कैंडल जला दिया है, ठीक है, और एक हमने यहाँ से यूं मुड़ा हुआ पाइप ले लिया है, और यहाँ से हम नट्टू काका को बिठा देते हैं, ठीक है, कि आप वॉच करो, देखो। क्या ये दिखेगी लाइट? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसलिए ये नहीं दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ से आंख लगाएगा, ये दिखेगा नहीं, ये मुड़ी हुई पाइप, बेकार एक्सपेरिमेंट हो गया, कोई नहीं, इसमें नहीं दिखा लाइट। लेकिन अगर हम देखें यहाँ से एक सीधी पाइप लेते हैं, ठीक है, और इस बार हम फिर से नट्टू काका को बिठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस बार फिर से ये वॉच करता है तो इसे दिखना शुरू हो जाता है कि लाइट दिख रही है कैंडल में। ये आप भी कर सकते हैं। तो ये हम सब जानते हैं लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में लाइट कहाँ जाएगी? यहाँ से, ये जो सामने मिरर है यहाँ पे जाएगी ना, ये पेड़ पे इधर से रोशनी आया, ये सबके सब, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई लाइट। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहां से मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि ये मिरर है। वाओ, थैंक गॉड, सीधा बन गया। ये आया यहाँ पे, ये टकराया इस पे, और यहाँ पे हमारे नट्टू काका बैठे हैं, ठीक है, और ये इसने यहाँ देखना शुरू किया। तो अब बताओ ये प्लेन मिरर यहाँ इमेज बनेगा या नहीं बनेगा पेड़ का? बनेगा, क्योंकि यहाँ से लाइट ट्रेवल किया यहाँ, और यहाँ से जैसे ही स्ट्राइक किया इसके ऊपर में, ये यहाँ से सीधा यहाँ आया, और यहाँ भी मिरर लगाया है, यहाँ से वॉच कर रहा है नट्टू काका, ये देखेगा ही देखेगा, इमेज यहाँ बनेगा ही बनेगा, यही डिवाइस कहलाता है पेरिस्कोप। अब जरा इसकी कहानी सुनिए विस्तार से कि ये यूज कहाँ होता है। ठीक है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये यूज होता है जब ये मल्टीपल रिफ्लेक्टेड के थ्रू से गुजरता है तो ये यूज करता है। ये दीवार क्यों बनाए थे वो भी इसका पर्पस निकलेगा। सबसे पहले अगर देखें तो ये ज्यादातर बड़ी सी क्राउड के ऊपर में, भीड़ के ऊपर में अगर हेड को दिखाना होता है तो वहां लगा दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात इसको अगर देखें तो जैसे कि मैच वगैरह में, जब कभी मैच में कैमरा घूम रहा होता है ना, ठीक है, तो उसमें ये यूज कर लिया जाता है, लगा लिया जाता है अगर हम देखें तो यहाँ से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस निकलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से एक और चीज है क्या कि ज्यादातर यहाँ पे मान लीजिए नट्टू काका की जगह एक सोल्जर बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है कि इधर कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही है, ये क्या क्या कर रहा है, कोई एनिमी टेरिटरी है ये, कोई पाकिस्तान जैसा देश है, ये इंडियंस फौज यहाँ बैठी हुई है,
तो ये इसकी एक्टिविटी क्या होता है, आप जानते हैं कि इधर से कितना सारा इंट्रूजन होते हैं बॉर्डर पे, किस तरह से ना चीजें, तो ये कैसे देखेगा, इनके सामने निकलेगा तो गोली मार दी जाएगी इधर से। तो ये यहाँ पे पेरिस्कोप लगाता है और ये यहाँ से इधर के सारी एक्टिविटी को ना यहाँ इमेज बना के देख लेता है यहाँ पे। तो इसलिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है सोल्जर के द्वारा बंकर में छिप कर आराम से ना, बंकर है मान लीजिए ये वाला, इधर छिप कर आराम से देख लेगा कि बाहर इनेमी लैंड में क्या क्या गति, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह से आजकल समुद्र भी सेफ नहीं है, समुद्र में मान लीजिए कई ऐसे स्पाई शिप घूमते रहता है, इंडिया के तीनों साइड्स में समुद्र है और तीनों साइड्स में खतरे बहुत हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आते रहते हैं। इंडियन ओशियन बहुत बड़ा ओशियन है जिसमें बहुत सारे एक्टिविटी होती रहती है, बगल से पायरेट्स आते जाते रहते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा। सबमरीन जो होती है वो नीचे जमीन में एकदम जाकर या वाटर में जाकर एकदम सबमर्ज्ड होके डूबी हुई रहती है, और वो भी पेरिस्कोप का इस्तेमाल करता है और सब पहचान लेता है ऊपर सारे कौन कौन सी सिप है, क्या नाम है, कहाँ की सिप है, इसने परमिशन लिया है आने के लिए नहीं लिया है, क्या इसमें एक्टिविटी हो रही है, वो सब इसी पेरिस्कोप को देख लेते हैं। आज बदलते दौर के साथ सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। कई सारे बार देखे गए हैं कि पायरेट ने इंडियन ओशन, इंडिया के बगल बगल से ना सिप खींच के ले गया था, वो भी किडनैपिंग। कितना बड़ा विलन है ये लोग, सिप की किडनैपिंग करते हैं, सोच सकते हैं आप, इमेजिन क्या जबरदस्त है, कितना बड़ा गुंडा है कि सिप की किडनैपिंग कर लेना, अपहरण कर लेते हैं पायलट वगैरह को, बड़ी मोटी रकम मांगते हैं भारत सरकार से, इतना दो तो छोड़ेंगे नहीं तो नहीं, कई ऐसे केसेस में हो चुका है। तो पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, नेवी के द्वारा सबने, और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और यूजेस में आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये तो हो गया पेरिस्कोप जो एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। इसका एक और चीज़ होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, सिंपली जो ना आप अगर पार्लर में जाते हैं अपने बाल कटाने के लिए, तो सलून पार्लर जो भी है, ठीक है, वहाँ बैठते हैं तो आप पीछे देखोगे बहुत तरह के ना रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, वो भी इसी का होता है। हेयर ड्रेसर्स के अगर देखें शॉप पर हमें देखने को मिलता है ये चीज़ें, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल कर आता है एक छोटी सी चीज़ जो बचती है, वो है लाइट के बारे में, सनलाइट के बारे में। सनलाइट जो होता है एक वाइट लाइट कंसिडर किया जाता है, सनलाइट जो ना एक्चुअली उसमें सेवन कलर्स होते हैं, सेवन कलर्स आपस में मिक्स्ड होता है ये पूरा, हालांकि ये सारे के सारे अलग अलग जो मिक्स्ड होते हैं तो कई बार ऐसे नहीं होता है, दिखता नहीं है, दिखने का तो वो वाइट कलर ही होता है। इसको देखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए एक प्रिज्म लाया जाता है, और प्रिज्म से जब इस लाइट को, सनलाइट को गुजारा जाता है तो उधर प्रिज्म जो ना, मान लीजिए अगर हम देखें तो इस बार इसको हटा लेते हैं, यहां से अगर कोई एक सन की लाइट को लेके अगर एक प्रिज्म निकाला जाता है, अगर ये सन की लाइट आती है कहीं भी सरफेस से टकराती है अगर हम देखें, और यहाँ से एक लाइट गुजारा जाता है, ठीक है, तो ये जो है ना प्रिज्म जो लाइट देगा इसी यहाँ से ये सेवन कलर्स में दे देता है, ठीक है, सेवन कलर्स में जो भी सरफेस यहाँ पे रहेगा, और ये भिप गोर के नाम से जाना जाता है। ये सेवन कलर्स के आसपास में दिया जाता है पूरे के पूरे। यहाँ से अगर हम देखें तो ये वी फॉर हो गया वायलेट, आई फॉर हो गया इंडिगो, ठीक है, बी फॉर हो गया ब्लू, अगर हम देखें तो जी फॉर हो गया ग्रीन, ठीक है, और एक हो गया यहाँ पे भिब, एक वाई भी रहेगा, ठीक है, वाई भी रहेगा, वाई फॉर हो गया क्या येलो, ओ फॉर हो गया ऑरेंज, और ये एक रहेगा ये यू हटा देते हैं, भिप गोर, वाई ओ आर होता है भिप गोर, वी आई बी जी वाई ओ आर, भिप गोर, आर हो गया रेड के लिए। ये सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाता है पूरा का पूरा इस तरह से, हालांकि आप इसे नोटिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत मिक्स्ड होता है। इसको अगर नोटिस करना हो तो इसका सबसे बढ़िया दिन है कि आप रेनफॉल अगर देखें, जिस देर रेनफॉल होता है, रेनफॉल के टाइम में जब एटमोसफेयर में बड़े लेवल पर अगर हम देखें, एटमोसफेयर में काफ़ी सारा पानी रह जाता है, और नतीजा उसका ये निकलता है कि सन की जब लाइट उस एटमोसफेयर से ट्रैवल करता है तो हर जो टाइनी ड्रॉपलेट्स एटमोसफेयर में फंसा हुआ, ट्रैप हुआ रहता है, तो वो प्रिज्म की तरह काम करता है, और सन जिस तरफ है उसके अपोजिट में ना उसे रिफ्लेक्ट करके सेवन कलर्स में
पूरा का पूरा बना देता है रेनबो। ये चीज़ें होगी, ठीक है। आप पहले से जानते होंगे कि लाइट की स्पीड बहुत ही एक्सट्रीम है, ठीक है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड से होता है, ठीक है। लाइट जो है धरती पर आने के लिए कम से कम ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 8 मिनट के आसपास का समय लेता है, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण से। ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है सन और किसके बीच में, अर्थ के बीच में। इसलिए ऑलमोस्ट इसी कारण से इतनी स्पीड से ट्रैवल करने के बावजूद भी जो है वो 8 मिनट के लगभग का समय ले लेता है। दूसरी बात अगर देखें, आते थोड़ी सी लाइट के रोल को देख लेते हैं, ठीक है। जब कोई भी बिजली कड़कती है तो सबसे पहले क्या दिखता है, जब भी कोई बिजली बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने में हमें सबसे पहले नज़र आता है किसका, लाइट नज़र आता है या बिजली की आवाज़ नज़र आती है, यानी बिजली उस कड़कने की आवाज़ आती है या फिर हमें यह आवाज़ या साउंड क्या दिखता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है, वो आवाज़ दिखती है, ठीक है। आवाज़ दिखती है, ये क्या कहते हैं, लाइट दिखती है पहले या फिर आवाज़ आती है, आप समझ पा रहे हो। सबसे पहले जो आती है वो आती है लाइट, सबसे पहले लाइट आती है क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। इसलिए जब बारिश के समय में जब थंडरिंग होती है तो उस थंडरिंग में सबसे पहले लाइट आती है, और लाइट के बाद थोड़ी देर के बाद उसी लाइट तक ये इंडिकेटर हो जाता है, लोग अपने बंद कर लेते हैं दोनों ढक्कन को इसको, ताकि कि हंगामा होने वाला है, भयंकर गर्जन होने वाली है और साउंड बाद में प्रोड्यूस होता है, बाद में सुनाई पड़ता है क्योंकि साउंड की स्पीड कम है एज कम्पेयर टू द लाइट, इसे लाइट पहले दिखता है। दूसरी बात, स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट है, स्पेस यूनिवर्स में अगर हम देखें, यूनिवर्स में कोई एक छोटे छोटे दूरी पे नहीं है कि वो चाचू का घर है, वो बाबू का घर है, वो लड्डू का घर है, वो नट्टू काका का घर है, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। वहाँ पे बहुत भयंकर भयंकर दूरी है। तो भयंकर भयंकर दूरी को साइंटिस्टों ने उसका जुगाड़ बिठाया कि क्या किया जाए, कैसे नापा जाए। तो लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। इफ़ यू कैन इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन इट कि 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, और उसके बाद 1 दिन में कितना ट्रैवल करेगा लाइट, और 1 साल में कितना ट्रैवल करेगा, 1 महीने में कितना, और फिर 1 साल में कितना ट्रैवल करेगा लाइट। जितना दूरी ट्रे करता है 1 सालों में, उसी को 1 लाइट ईयर कहा जाता है, और यही एक यूनिट है स्पेस में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने का, ठीक है। तो लाइट ईयर जो है, इसलिए जैसे कि अल्फा सेंचुरी है, सीरस है, ये जितने भी अलग गैलेक्सी है और बहुत सारे ऐसे तारे निकल कर आए हैं मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबों को डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए लाइट ईयर जो ना यूज़ किया जाता है। तो लाइट काफ़ी ख़ास होता है, देखने से लेकर काफ़ी कुछ हमें मदद करता है। लाइट हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यहाँ एक तरह से सोर्स है हर एक्टिविटी के लिए। तो ये हमें जानना था, ये एक पार्ट वन है लाइट का। आज पूरा इस लाइट पे थोड़ी बेसिक चीज़ें देखें, इस पे हम एक एडवांस वर्जन लेकर आएंगे जो बड़े लेवल पे होगा। आई होप कि वटवृक्ष के फैमिली को ये पसंद आए, और अच्छा हो कि हम और मेहनत करेंगे और अच्छी टॉपिक्स लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर और अगले एक और नए टॉपिक में। जल्द ही कोशिश करेंगे कि लाइट का दूसरा टॉपिक आए, दूसरा पार्ट आए। फिलहाल ये हमारा एक चीज़ें था। तो अपना ख्याल रखें, जमकर पढ़ें, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। इंडिया बदल रहा है, इंडिया की सिटीजन्स और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बदल रहे हैं, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। तो गेन मोर एंड मोर नॉलेज, गेट मोर एंड मोर एडवांस, क्योंकि आने वाला समय जो है इंडिया का और एडवांस होने वाला है, एडवांस स्टूडेंट की ज़रूरत होने वाली है। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। तब तक के लिए फिर से जय हिंद।